हेलो दोस्तों, वेलकम टू नवोदय स्टडी अकेडमी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फ्रैक्शन का जो है हमारा पार्ट थ्री होगा। पार्ट जो है वह थ्री रहेगा यहाँ पर, और मैथ का जो है पर चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शन, उसका जो है यहाँ पर नौवां क्लास यहाँ पर चल रहा है मैथ का। तो यहाँ पर सेकेंड चैप्टर फ्रैक्शन चल रहा था, भीन जिसे हिंदी में कहते हैं, और इस बैच का नाम है JNB सिलेक्शन बैच, क्लास 6-9 के लिए चल रहा है 2022 एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन आप सबके स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। फटाफट इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन पूछा कि मोहन को दी गई संख्या को 8/9 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 8/9 से भाग दे दिया, जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 34 अधिक आया। वह संख्या थी, तो इसका आंसर आप लोग बताएं कमेंट में। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है। मतलब कि मोहन को कोई संख्या दिया गया है और कहा गया है कि 8/9 से उसको क्या किया जाए, उसे मल्टीप्लाई मतलब कि गुणा किया जाए, परंतु उसने जो है वह भूल कर 8/9 से उस संख्या को भाग मतलब डिवाइड कर दे दिया, जिससे प्राप्त मतलब कि जो रिजल्ट आया वह आया है 34 अधिक आया। गुणा करने से मतलब कि 34 अधिक आया, तो वह संख्या क्या थी वह पूछा है क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसको चार ऑप्शन भी दिए हैं, 1, 2, 3, 4। इसका आंसर बताएंगे कमेंट में क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट में। तो मान लेते हैं कि मोहन को दी गई संख्या जो है वह क्या है, वो यक्ष, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या दी गई है मोहन को, इसलिए हम क्या कर लेते हैं यक्ष मान लेते हैं। मोहन को कौन सी संख्या दी गई है, यक्ष संख्या दे दी गई है। तो क्या करेंगे, गुणा करने पर कितना हो रहा है, गुणा करने पर उसे कहा गया है, तो यहाँ पे यक्ष को भी संख्या मतलब कि जिसे हम लोग यक्ष माना है, तो यक्ष मल्टीप्लाई 8/9 हो जाएगा। तो इससे क्या 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 गया है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर 8x/9 हो गया, मतलब कि 8x/9 हो जाएगा, 8x/9 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर याद रख लेना है कि 8x/9 था, परंतु उसने संख्या को 8/9 से भाग दे दिया, लेकिन उसने क्या कर दिया, भाग दे दिया है। तो यहाँ पर यक्स और यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, एक मिनट, यहाँ पर यक्स डिवाइड कर लेंगे 8/9 से, तो इक्वल टू जो निकल कर आएगा वो आएगा यक्स मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर जो है ये 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 8 जो है वह हर की जगह पर आ जाएगा, तो 9 ऊपर और यहाँ पर 8 नीचे, तो यहाँ पर 9x/8 निकल कर आ गया। मतलब कि उस जब मल्टीप्लाई करता है तो उसको 8x/9 प्राप्त होता है, और यहाँ पर जो है डिवाइड करने पर उसे 9x/8 प्राप्त हुआ। यक्स माने हैं तब। तो अब इन दोनों के बीच का जो अंतर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अंतर में हम लोग यहाँ पर जो भी यहाँ पर डिवाइड करने पर इतना आया था और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर इतना आया है, और इक्वल टू मतलब कि क्या यहाँ पर लिखा हो गया है कि वास्तविक परिणाम से 34 अधिक आया, तो यहाँ पर 34 क्या है हमारा अधिक आ गया है। तो यहाँ पर अब हम दोनों क्या कर लेंगे, अंतर पहले कर लेते हैं, ये जो आपको देखने को मिल रहा है इसके हम लोग बीच का जो अंतर देख लेते हैं। तो अंतर देखेंगे तो इसका बीच का अंतर रहेगा 17x/72=34 निकल कर आ जाएगा, इतना निकल कर आ गया है, क्या इतना निकल कर आ जाएगा। तो अब क्या करना है, अब हमें बहुत इजी हो गया है क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में, मैं आपको बता देता हूँ। तो निकल कर आया, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 70x/72=34 हो जाएगा। तो आप सोच रहे हैं 34 कहाँ से आया, क्योंकि उस वास्तविक परिणाम से 34 अधिक हुआ है, तो यहाँ पर 34 ही लिखा जाएगा इक्वल टू में। तो चलिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यक्स इक्वल टू हो जाएगा, जो यक्स है अब यक्स हो जाएगा, फिर यक्स जो है यहाँ 17x/34 यहाँ पर जाएगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे 72 का, और यहाँ पर 17 जो है नीचे हो जाएगा, तो 17 से यहाँ पर चल जाएगा ये दो बार में 34, तो यहाँ पर 72 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दो का, तो यहाँ आ जाएगा 144। तो ये 144 जो है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहे हैं आपको वैसे वैसे क्वेश्चन को लिखना है, जैसे आप उसके मुताबिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वह निकल कर आ गया, तो उसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप सबके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इसके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन पूछा किसी गांव की जनसंख्या 5/7 भाग अशिक्षित है, मतलब कि कोई भी गांव है उसकी जो जनसंख्या का
फाइव अपॉन जो सेवन भाग है वह जो है लोग वह पढ़े नहीं हैं। यदि शिक्षितों की संख्या जो है वह कितना है 3450 है, मतलब कि जो शिक्षित लोग हैं जो पढ़े लोग हुए हैं वह हैं उन 3450 की संख्या है। तो गांव की जनसंख्या ज्ञात करें, मतलब कि टोटल गांव की जनसंख्या पूछा है कि क्या होगा। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे फटाफट क्या होगा। चार ऑप्शन भी दिए गए हैं आप लोग को, चार ऑप्शन भी दिए गए हैं, सभी लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। तो माना कि यहाँ पर आपको बताया नहीं गया कुल जनसंख्या कितनी है, क्या बताया अब गांव की कुल जनसंख्या तो नहीं बताया गया है, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं यक्ष मान लेते हैं, या फिर आप कुछ भी मान सकते हैं, पी भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यक्ष मान लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है वह कुल जनसंख्या कितना है यक्ष मान लेते हैं। तो अशिक्षित जनसंख्या कितनी है 5/7 भाग अशिक्षित है, तो यक्ष में मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5x/7 निकल कर आ जाएगा। फिर उसके बाद शिक्षितों की संख्या कितनी है यहाँ पर लिख लेते हैं x-5x/7 शिक्षितों की संख्या, तो इक्वल टू जो निकल कर आएगा वो 2x/7 निकल कर आ जाएगा, मतलब कि शिक्षित की संख्या कितनी है 2x/7 है। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 5x/7 ही हम लोग ने यहाँ पर कैसे आया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 5x/7 क्यों आया, क्योंकि अगर इतने भाग लोग जो है अशिक्षित हैं और यहाँ पर अशिक्षित हैं तो शिक्षित भाग के जो शिक्षित भाग है वो कितना भाग, मतलब कि शिक्षित जो है वह कितना भाग में, आपको सिर्फ यहाँ पर अंक बताया है लेकिन भाग तो नहीं बताया है, इसलिए उसको भाग में लाने के लिए आपको जो है वह अशिक्षित वाले भाग से जो है वह आपको कुल जनसंख्या से माइनस करना होगा। तो माइनस करने पर निकल कर आया 2x/7, यहाँ पर इरेज कर लेते हैं, तो यहाँ पर 5x/7 जो है वह अशिक्षित लोग हैं और 2x/7 हैं ये लोग जो है शिक्षित हैं। तो अब हम लोग प्रश्न से देखते हैं, तो 2x/7 इक्वल टू जो है वह 3450 हो जाएगा, मतलब कि इतने लोग क्या हैं पढ़े हुए हैं, इतने लोग जो हैं शिक्षित हैं, तो यक्स जो है वह यक्स इक्वल टू हो जाएगा और 3450 मल्टीप्लाई और यहाँ पर जो 7 है वह ऊपर क्यों चला जाएगा, 7 जो है ऊपर क्यों चला जाएगा और अपॉन में जो है वह 2 आ जाएगा, तो 2 से जो है यहाँ पर 3450 जो है वह चला जाएगा 1725 में, 1725 में चला जाएगा। तो 1725 में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 का, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा एक मिनट 1725 में 12050 निकल कर आ गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, सॉरी 12075 निकल कर आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपको 1 देखने को मिल रहा है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग ने जो है पिछले क्वेश्चन जैसे किए हैं यक्स माना और क्वेश्चन जो है वह बन गया, क्योंकि आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आपका जो आंसर वह निकल कर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट होगा। चल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका जो आंसर वह क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन पूछा है एक सिनेमा हॉल में 250 सीटें, जैसे कोई सिनेमा हॉल है उसमें कितने सीटें हैं, 250 सीटें बालकनी में और 400 सीटें जो है वह प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में है। तो कोई भी सिनेमा है उसमें 250 सीटें जो बालकनी में और 400 सीट प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में है। एक फिल्म शो में बालकनी की जो 4/5 भाग भाग और प्रथम और द्वितीय श्रेणी का 3/20 भाग सीटें भरी थी, बताएं कि बालकनी और प्रथम और द्वितीय श्रेणी में अलग अलग कितने सीटें खाली है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जो इसका आंसर है वह क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर है वह क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है बालकनी में और प्रथम और द्वितीय श्रेणी में कितने अलग अलग सीटें खाली थी, ये पूछा है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कि इसका जो आंसर है क्या होगा। चलिए आंसर भी आंसर हो चुका है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं किनका जो आंसर है वो राइट होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं कि बालकनी में जो है कितने सीटें खाली थी, तो बालकनी में कितने सीटें खाली थी, यहाँ पर 1 मान लेते हैं 1-4/5 मान लेते 4/5, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इक्वल टू निकल कर आएगा 1/5 निकल आ गया। तो यहाँ पर कितना है सिनेमा हॉल में बालकनी में कितने सीटें खाली, बालकनी में 250 सीटें हैं, तो 250 मल्टीप्लाई 1/5, तो 5 से 250 चलेगा यहाँ पर 50 बार में, तो 50 सीटें जो है वह खाली हैं, कितनी किस में बालकनी में खाली हैं, और यहाँ पर कितनी बालकनी में खाली है, तो ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन चौथा जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 50 सीटें आपको नहीं देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 में 50 सीटें अभी तक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 अभी तक है।
तो अब देखते हैं कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी में कितने सीटें खाली है। तो 1 - 3/20 कर लेंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर नीचे 1 लिख जाएंगे, क्योंकि किसी का नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। यहाँ पर जब हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें जब हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70/20 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर कितना आपको देखने को मिल रहा है कि 400 सीटें प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में है। तो 400 × 17/20, तो 20 से 400 चला जाएगा 20 बार में, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 का, तो इक्वल टू 340 आ जाएगा। तो इतनी सीटें जो है आपको खाली थी किसमें, पहली श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा, बालकनी में 50 सीटें और यहाँ पर प्रथम और द्वितीय श्रेणी में 340 सीटें खाली। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इसके आंसर बताएं सभी लोग कमेंट में क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है भिन्नात्मक संख्याओं, कुछ आपको यहाँ पर संख्या दी हुई है और को बढ़ते हुए क्रम में लिखने की सही व्यवस्था है, ये आप लोग बताना। और ये क्वेश्चन JNDE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसके आंसर तो कमेंट में बताएंगे कि बढ़ते हुए क्रम में लिखने की सही व्यवस्था कौन से ऑप्शन में दी है, 1, 2, 3, 4 में। इस संख्या को आपको क्या लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सभी लोग इसका आंसर, सभी लोग बताएंगे इसका जो आंसर है वह क्या होगा, कमेंट में सभी लोग बताइए। और सभी लोग जल्दी से यहाँ पर शेयर कर देंगे, सभी लोग शेयर कर दीजिए कि सभी लोग जो है यहाँ पर जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। तो आंसर आना शुरू हो चुके हैं। चलिए बढ़ते क्रम का मतलब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, बढ़ते क्रम लिखा है तो आप समझ जाइए कि आपको सबसे पहले छोटी संख्या शुरुआत करना है, फिर थोड़ी बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5/7 है, 5/17 है। फिर उसके बाद जो है आपको 8/17 है, 8/17 है। फिर यहाँ पर 9/17 है, फिर 9/17 और यहाँ पर फिर जो है वो 10/17 है। तो ये वाला जो आपको ये एक सही व्यवस्था है बढ़ते हुए क्रम में लिखने की, इस संख्या को बहुत सही व्यवस्था है। तो ऐसा सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो मैंने आपको बता दिया कि बढ़ते हुए क्रम और लिखने का सही व्यवस्था आपको मैंने बता दिया है पिछले ही क्लासेज में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे फटाफट इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है, कुछ संख्या दिए हुए हैं, इसमें आपको जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा, कुछ सरल करने पर परिणाम होता है, मतलब इन संख्याओं को आपको जो है वह सॉल्व करने पर कौन सा रिजल्ट प्राप्त होता है, ये आप लोग को बताना है। इन चार ऑप्शन में तो पहला में 0 और सेकेंड में है 6 और थर्ड में है 12 और यहाँ पर फोर्थ में है 3। इसके आंसर सभी लोग बताएंगे। और ये भी क्वेश्चन जो है JNDE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट में क्या होगा। तो सबसे पहले किसका, सबसे पहले इस वाले का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 5 - 2, इसका जो है वह 3 निकल कर आ गया, मतलब कि 5 - 2 का यहाँ पर 3 निकल कर आ गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 3 निकल कर आ गया, फिर उसके बाद जो है 5 यहाँ पर रुक जाएंगे, 6 - 5 ऐड कर लेंगे 3, फिर माइनस यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर -5 है, इस तरह कुछ है। और यहाँ पर 5 + 3 को हम लोग ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इरेज करके लिख देता हूँ, यहाँ पर इरेज करके लिख देता हूँ 8। तो अब क्या करना है, इसमें सिर्फ से माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 5, और 5 में 5 का माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 निकल कर आ गया। और यहाँ पर 6 में माइनस कर लेंगे 0 का तो इक्वल टू 6 निकल कर आएगा। और ये ऑप्शन जो सेकेंड है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आरोही क्रम में लिखी हुई है। तो आरोही क्रम का, अगर आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में अगर फर्क नहीं समझ में आता है तो आपको जो यहाँ पर सेकेंड क्लास में मैंने आपको जो थ्योरी में अच्छे तरीके से बता दिया है तो आप जाकर उस क्लास को देख लीजिएगा, आपको उसमें पता चलेगा आरोही और अवरोही में क्या फ़र्क है, मतलब क्या डिफरेंस है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि आरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बता देता हूँ तो आप जो है क्वेश्चन को आसानी से जो है वह सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके आंसर सभी लोग आंसर बताएंगे कमेंट में क्या, और सभी लोग जल्दी से यहाँ पर शेयर कर दीजिए और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आंसर आना शुरू हो चुका है सबका। चलिए देखते हैं घटते क्रम, मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, जिसमें बढ़ते क्रम में आपको पूछा था, मैंने उसमें बताया बढ़ते क्रम है तो घटते क्रम में लिखना है, मतलब छोटी संख्या से फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, लेकिन इसमें घटते क्रम है। तो इसमें सबसे पहले आपको शुरुआत करना है सबसे बड़ी संख्या से, फिर उससे छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं
कि इसमें सबसे पहले किससे शुरुआत किया गया है, तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा सबसे छोटी संख्या से शुरुआत किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है रॉन्ग हो जाएगा। इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें जो है 25 युवा क्या है बड़ा है, लेकिन आपको शुरुआत में किससे शुरुआत किया गया है 22 से, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सेकेंड भी रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो थर्ड है 35, क्योंकि आपको अंश में सब यहाँ पर सेम 13 देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सेम है, 35 है, 28 है और 22 19, मतलब ये एक अच्छे तरीके से जो सीरीज आपको चलते हुए देखने को मिल रही है, बड़ी से छोटी छोटी से छोटी देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट आंसर आएगा। फोर्थ को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि 28 के बाद 19 आएगा और 19 के बाद 22 और 22 फिर उसके बाद जो है 35 है, ये लॉजिक ही नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो फोर है वो रॉन्ग हो गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है और ये क्वेश्चन JNB में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको जो है वो एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसके आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको ये संख्या दिया हुआ है और पूछा है कि इन दोनों का गुणनफल इक्वल टू क्या होगा, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे। तो मैंने आपको बताया कि इनको तोड़ पूर्णांक को तोड़ने का जो है मैंने आपको जो है वह रूल्स बता दिए हैं फर्स्ट ही क्लास में, अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1 को ऐड करेंगे इक्वल टू 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ गया, मतलब इसका जो यहाँ पर होगा 5/2 हो जाएगा, और का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे और का मतलब, और यहाँ पर 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 और यहाँ पर 7/2 निकल कर आ गया। तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कोई भी संख्या किसी से नहीं कट रही थी, इसलिए यहाँ पर जो है अंश का अंश में मल्टीप्लाई कर लेंगे और हर का हर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अंश का अंश में मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 5 का तो 35 आ गया, और यहाँ पर हर में हर क्वालिटी 2 में 2 का मल्टीप्लाई की तो 4 आ गया। लेकिन ऐसा ऑप्शन आपको किसी वाले ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा जो आपको ये वाला जो आपको आया है ये ऑप्शन आपको कोई भी ऑप्शन में जो है आपको ये वाला अंक देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको ऑप्शन नंबर 1 तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि उसमें 7 लिखा हुआ है, तो रॉन्ग हो गया। अभी तक बचे हैं 2 3 4, तो इसको हम लोग जो है तोड़ लेते हैं। तो 4 फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो यहाँ पर 32 और 8 कर लेंगे 3 को तो 35/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो यहाँ पर 4 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चल चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कमेंट में क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा है कि 2/3 और 5/7 का योग निम्नलिखित में से प्राप्त हो सकता है, तो सबसे पहले क्या करना है, और ये जनरली में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है। तो पहले कि आपको इन दोनों का जो है पहले आपको योग मतलब कि इन दोनों का जो है वो आपको एड निकाल लेना है, तो 2 और 3 का यहाँ पर एड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है 3 और 7, हर जो है 3 और 7 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि ये आभार संख्या है। क्या ये एक आभार संख्या है, तो आभार संख्या का क्या करते हैं हम लोग दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एलसीएम 21 निकल कर आ गया और 3 21 से 7 बार हो जाएगा तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 7 में 21 3 बार में तो 3 15 आ जाएगा, तो 19/21 निकल कर आ जाएगा, तो इसका जो इक्वल टू जो है वो 19/21 होगा। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इन अगर हम लोग इस सब को इक्वल टू करते हैं तो 19/21 जिससे भी प्राप्त होता है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग ऐड करेंगे 5/2 का तो 7 आएगा और यहाँ पर 21, तो ऑप्शन नंबर 1 तो रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पर ये जो है मैच नहीं कर रहा इससे। तो और ऑप्शन नंबर दूसरे को देखते हैं, 7 आएगा और यहाँ पर 21, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी मिस्टेक यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर जो है 3 आएगा, क्या 7/7 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, मिस्टेक थोड़ा हो गया था, लेकिन यहाँ पर जो है 7/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21, ये भी रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड भी। और इसको हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि ये क्या सही है या फिर रॉन्ग है, क्योंकि आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर नीचे क्या है 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई ऐड करें पर 10 आएगा, जो कि हर कितना रहना चाहिए 21 रहना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसी बचा हुआ है, इसको यही एक राइट हो सकता है, लेकिन चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इरेज करके आपको दिखा देते हैं, 7/2 का मल्टीप्लाई किए 14 आएगा और यहाँ पर 3 और 5 में मल्टीप्लाई किए तो 15 आ गया, तो यहाँ पर ऐड करने पर 19 आ जाएगा और यहाँ पर हर कितना है 7 और 3, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 निकल कर आ गया। तो यही हमें एक संख्या प्राप्त करना था और ये संख्या जो है ऑप्शन नंबर 4 से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पूछा है एक लट्ठे
के 3/4 भाग की लंबाई 12 मीटर है, तो उस लट्ठे के 3/8 भाग की लंबाई ज्ञात करें। तो इसके आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि जो इसका आंसर है वो क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताइए। माना कि आपको बताया नहीं गया कि लट्ठे की लंबाई कितनी है, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, लट्ठे की लंबाई को यक्स मान लेते हैं। तो प्रश्न से हो जाएगा 3/4 यक्स इक्वल टू 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है यक्स जो है वो आ जाएगा इधर की साइड और, तो यहाँ पर यक्स आ जाएगा, और यहाँ पर जो 12 और मल्टीप्लाई जो 4 है वो इधर क्यों चला जाएगा, तो 4 और नीचे अपॉन में 3 हो जाएगा। तो 3 से 12 चलिए यहाँ पर 4 बार में, सॉरी यहाँ पर 4 बार में, और 4 में 4 का मल्टीप्लाई किए तो 16 निकल कर आएगा, और 16 जो है और यहाँ पर 16 निकल कर आ गया। फिर उसके बाद जो 16 का 3/8, क्योंकि आपको देखना है उस लट्ठे के 3/8 भाग की लंबाई ज्ञात करें, तो आपको 3/8 की लंबाई ज्ञात करना है, ये नहीं कि आपको 3/4 की लंबाई ज्ञात करना है, इसलिए 3/8 हो जाएगा। और क्या का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, तो यहाँ पर 8 से 16 चलेगा 2 बार में, और यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई किए 2 का इक्वल टू 6 निकल का, और ये ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये है लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। उसका नेम मैं नेक्स्ट क्लास मतलब कल के क्लास में जो है वह अनाउंस करूँगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसका सॉल्यूशन मैं जो है वह नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहेंगे नवोदय स्टडी अकेडमी के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।